नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? कुछ याद आ गया? बॉलीवुड अपने गपशप और दिलचस्प किस्सों के लिए जाना जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप बॉलीवुड के बारे में सब कुछ जानते हैं तो वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की इस वीडियो में बॉलीवुड के सबसे रोचक फैक्ट के बारे में मैं यानी कि वर्सेटाइल वी आर्टिस्ट आपको बताने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। फैक्ट नंबर वन, भारतीय हर वर्ष 270 अरब मूवी टिकट्स खरीदते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतनी फिल्में देखते हैं हम। फैक्ट नंबर टू, बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक का असल में उपनाम नागरथ है, रोशन नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पता था। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है हमारे आमिर खान मशहूर क्रांतिकारी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के वंश से संबंध रखते हैं? शायद इसी वजह से उन्होंने मंगल पांडे जैसी क्रांतिकारी फिल्म के लिए एक बार कहानी सुनते ही हाँ कर दी थी। फैक्ट नंबर फोर, कहो ना प्यार है को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिलने में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस फिल्म को 92 अवार्ड्स मिले थे। जी हाँ, बिल्कुल 92 अवार्ड्स। फैक्ट नंबर फाइव, बॉलीवुड की जाने माने अभिनेत्री करीना कपूर ने फिल्म हीरोइन में 130 तरह के अलग अलग कपड़े पहने थे, जिनको दुनिया के शीर्ष डिजाइनर्स द्वारा तैयार किया गया। भाई वाह, मजे हैं करीना के तो। फैक्ट नंबर सिक्स, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त पहले आरके स्टूडियो में काम करते थे और वो अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर सुनील दत्त अभिनेत्री नरगिस जी के सामने इंटरव्यू में एक भी शब्द बोल नहीं पाए और इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया। वर्षों बाद जब सुनील दत्त जी को उनके साथ मदर इंडिया, जो कि 1957 में आई थी, काम करने का मौका मिल गया, तब उनको एक दूसरे से प्यार हो गया और बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। भाई हैप्पी मैरिड लाइफ। नंबर 7, बॉलीवुड का सुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में पहले शाहरुख खान की जगह सैफ अली खान को लेने वाले थे। मुश्किल से यकीन हो रहा है ना इस बात पे। और हाँ, एक बात और बताऊं, इस फिल्म में हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज के बारे में भी विचार किया गया था। क्या बात है। फैक्ट नंबर 8, आमिर खान की फिल्म लगान पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिश अभिनेताओं को लिया गया था। ये तो मुझे भी नहीं पता। चलिए आगे के फैक्ट अगली कड़ी में बताऊंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और हाँ, मैं ही हूँ हिंदी काउंटडाउन, प्लेनेट अर्थ, इंडिया री रिसर्च और भी कई चैनल्स की आवाज़।